सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में अंडर ग्रेजुएट में अब दाखिले के लिए एक समान एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। इसका नाम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होगा। इस फैसले के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में UGC के चेयरमैन एम जगदीश कुमार ने सभी सवालों के जवाब दिए हैं। ये परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराएगी। इसके लिए सभी यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिले होंगे। फिलहाल इस साल सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसके दायरे में आएगी। UGC ने निर्देश दिए हैं कि छात्र एडमिशन के लिए CUET स्कोर्स का इस्तेमाल करें। प्रवेश परीक्षा के मापदंड क्या है? 12वीं पास किया हुआ कोई भी स्टूडेंट CUET परीक्षा दे सकता है। सभी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से 12वीं के नंबर को भी अपने पैरामीटर में सेट कर सकती हैं। 12वीं के नंबर के आखिर क्या मायने हैं? कोई भी 12वीं पास छात्र CUET एग्जाम में शरीक हो सकता है, लेकिन किसी खास विश्वविद्यालय के खास अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए वहां का यूनिवर्सिटी प्रशासन अपने हिसाब से मापदंड लागू कर सकता है। इसमें 12वीं और CUET के एग्जाम नंबर का एवरेज वेटेज निकालकर पैमाना तय किया जा सकेगा। कब होंगी परीक्षाएं? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जुलाई के पहले हफ्ते में होगा। इस वक्त तक सभी बोर्ड्स के 12वीं के नतीजे आम तौर पर आ जाते हैं। इसके लिए आवेदन अप्रैल के पहले हफ्ते से शुरू हो जाएंगे। ऑफलाइन या ऑनलाइन? आवेदन ऑनलाइन किया जा सकेगा। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे। परीक्षा ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होगी। आसमान छूते कट ऑफ से मिलेगी निजात। इस नए सिस्टम से आसमान छूते कट ऑफ से निजात मिलेगी। सरल भाषा में कहें तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पूरे देश के स्टूडेंट्स को एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड उपलब्ध कराएगा। सिलेबस कैसा होगा? सिलेबस NCERT की कक्षा 12वीं के मॉडल सिलेबस के अनुरूप ही होगा। इसमें सेक्शन 1A, सेक्शन 1B, जनरल टेस्ट और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर आधारित पेपर्स होंगे। सेक्शन 1A पेपर कंपलसरी होगा। 13 भाषाओं में दिया जा सकेगा। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, ती मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। सेक्शन 1B वैकल्पिक पेपर होगा। इसे वो स्टूडेंट्स देंगे जो सेक्शन 1A में आने वाली भाषाओं से अलग कोई विकल्प चुनते हैं। इसके तहत फ्रेंच, अरबी, जर्मन आदि भाषाओं का विकल्प मिलेगा। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स पर आधारित पेपर के तहत अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आवेदन कर रहे स्टूडेंट्स अधिकतम 6 डोमेन का चुनाव कर सकते हैं। किस तरह होगी परीक्षा? CUET 2 शिफ्ट में होंगे। पहली शिफ्ट में अभ्यर्थी एक भाषा, 2 डोमेन स्पेसिफिक पेपर्स और 1 जनरल टेस्ट देंगे। दूसरी शिफ्ट में बाकी 4 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और सेक्शन 1B की परीक्षा देंगे। हालांकि CUET की वजह से रिजर्वेशन पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्टूडेंट्स का क्या फायदा? अब छात्रों को अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट नहीं देने होंगे। 12वीं में नंबर लाने की दौड़ की बजाय लर्निंग पर फोकस बढ़ेगा। इसके साथ ही परिवार पर आर्थिक बोझ में भी कमी आएगी।